यूक्रेन से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, चौंका दिया है। दरअसल इजराइल ने यह फैसला कर लिया कि वो अब यूक्रेन को आयरन डोम एयर डिफेंस नहीं देगा। अगर ये एयर डिफेंस ज़ेलेंस्की हासिल कर लेते तो यूक्रेन की महाजंग में पुतिन को पीछे हटना ही पड़ता। लेकिन पुतिन ने एक ऐसी चाल चली कि ज़ेलेंस्की का ये सपना भी टूट गया है। पुतिन की चाल को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पुतिन की मिसाइल के धमाके की आवाज तो सिर्फ यूक्रेन में ही सुनाई देती है। लेकिन पुतिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बयान देते हैं तो उनके बयानों की गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देती है। पुतिन का दोस्त हो या फिर दुश्मन, हर कोई पुतिन की बात गौर से सुनता है और इसीलिए पुतिन के हर बयान के बाद जंग में ज़ेलेंस्की की राह और मुश्किल हो जाती है। अब नई खबर ये आई है कि इजराइल ने भी ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। रूस इस वक्त ईरान का जिगरी दोस्त है और ईरान से इजराइल की कट्टर दुश्मनी है, लेकिन इसके बाद भी ज़ेलेंस्की इजराइल से हथियार हासिल करने में फेल हो गए हैं। लेकिन इजराइल ने इस बार ऐसा बयान दिया है कि ज़ेलेंस्की के लिए जंग जीतने के सारे दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। आखिर क्या है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अहम बयान? कैसे ईरान की चाल कामयाब हो गई? सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पुतिन के उस बयान की जिसने ज़ेलेंस्की को चारों खाने चित कर दिया है। अभी दो हफ्तों पहले ही पुतिन ने एक बयान दिया था। पुतिन ने रूस के एक आर्थिक सम्मेलन में ये कहा था कि ज़ेलेंस्की यहूदी नहीं है और वो यहूदी होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। Ну, по технике, значит, каждый день происходит рост утраты этой техники. Где-то сейчас, на сегодняшний день, 186 танков потеряно украинской армии. И 186, по-моему, да. 186 и 418 бронемашин различного класса. Ну, я уж сейчас не говорю про личный состав. Это нужно, чтобы Министерство обороны само озвучивало. Но, повторяю, самое главное, что нет успехов ни на одном из направлений. उस वक्त जब पुतिन ने ये बयान दिया तो हर किसी को लगा कि आखिर पुतिन जैसा स्टेट्समैन किसी राजनेता के धर्म को लेकर ऐसा बयान क्यों दे रहा है। लेकिन अब जाकर ये राज खुला है कि ज़ेलेंस्की अपने यहूदी होने का फायदा उठाकर इजराइल के साथ रिश्तों को मजबूत कर रहे थे, क्योंकि इजराइल एक यहूदी बहुल देश है। और अब इजराइल के प्रधानमंत्री का ये अहम बयान आ गया है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को आयरन डोम जैसा दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। यानी ज़ेलेंस्की का यहूदी यहूदी भाई भाई वाला फॉर्मूला पुतिन ने फेल कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल ने यूक्रेन को आयरन डोम देने से इनकार कर दिया। इसकी एक वजह ईरान भी है। आखिर ये वजह क्या है? आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री का अहम बयान जान लेते हैं। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये समझना महत्वपूर्ण है कि हम इस संभावना से भी चिंतित हैं कि ईरान हमारे ही हथियारों का उपयोग हमारे खिलाफ कर सकता है। इजराइल एक घनी आबादी वाला देश है और पिछले सालों में फिलिस्तीन से हुई लड़ाइयों में अगर इजराइल की ज्यादा जनहानि नहीं हुई है तो इसका पूरा श्रेय आयरन डोम की प्रणाली को जाता है।
जिसने दुश्मन द्वारा हम पर लक्ष्य कर लॉन्च किए गए 95% मिसाइलों और रॉकेटों को सफलतापूर्वक रोक दिया है। अगर हमने आयरन डोम की प्रणाली यूक्रेन को दी और यूक्रेन की किसी गलती से ये तकनीक ईरान के हाथों में पड़ गई तो ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग से आयरन डोम का तोड़ निकाल लेगा और इसराइल के अंदर रह रहे हमारे लाखों नागरिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। दरअसल बेन्यामिन नेतन्याहू ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग करने में माहिर। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि आखिर रिवर्स इंजीनियरिंग होती क्या है। दरअसल दुश्मन देश के हथियार के पुर्जों को खोलकर हथियार की टेक्नोलॉजी हासिल करके फिर दोबारा हूबहू वैसा ही हथियार बनाकर तैयार कर देना ही रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। चीन को भी रिवर्स इंजीनियरिंग की कला में माहिर माना जाता है। वो अमेरिका के कई हथियारों के रिवर्स इंजीनियरिंग सफलतापूर्वक कर चुका है। दरअसल कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि उसकी एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजी किसी अन्य देश, खासकर दुश्मन देश के पास चली जाए। यही वजह है कि ऐसे देश हमेशा अपने हथियारों को संभाल कर रखते हैं और दुश्मन के कब्जे में पहुंचने से पहले ही नष्ट करने में भरोसा रखते हैं। ईरान भी चीन की तरह रिवर्स इंजीनियरिंग की कला में मास्टर रहा है। ऐसे कई हथियार हैं जो विदेशी हैं, लेकिन ईरान ने गलत तरीके से हासिल करके उसके रिवर्स इंजीनियरिंग करके विदेशी टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है। जैसे ईरान का ड्रोन शाहिद 136 रिवर्स इंजीनियरिंग से बना है। ईरान के इस ड्रोन में जर्मनी का इंजन लगा हुआ है जो 20 साल पहले ईरान ने अवैध रूप से हासिल किया था। अब आप जरा सोचिए कि ईरान के ड्रोन में टेक्नोलॉजी जर्मनी की लगी है, लेकिन वो जर्मनी के ही मित्र देश यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इस ईरानी ड्रोन से भी इजराइल को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है ये आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। ईरान ये दावा करता है कि उसके ड्रोन शाहिद 136 की रेंज 2500 किलोमीटर है और ईरान की राजधानी तेहरान की दूरी इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर है। ईरान की एक हथियार कंपनी है जिसका नाम है IDI, इसे रक्षा उद्योग संगठन भी कहा जाता है। ये ईरान की एक स्वदेशी हथियार निर्माता कंपनी है जो रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए बदनाम है और ईरान के लिए हथियार भी बनाती है। इस पर आरोप है कि ये हाल के कुछ वर्षों में अमेरिका, सोवियत संघ और चीन जैसे देशों के हथियारों की टेक्नोलॉजी को चुरा चुका है। जैसे ईरान ने एक होवेजर तोप बनाई है जिसे रॉड 2 कहा जाता है। माना जाता है कि इस तोप को ईरान की इसी कंपनी ने रूस और अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चुरा कर बनाया है। ईरान ने मिसाइल बनाने के लिए भी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर कोरिया और रूस की मिसाइल टेक्नोलॉजी को चोरी किया है। मिसाल के लिए ईरान की मिसाइल सैयद 1 के बारे में कहा जाता है कि ये चीन की टेक्नोलॉजी को चुरा कर बनाई गई है। इस मिसाइल को चीन की HQ-2 सैम मिसाइल का आधुनिक संस्करण माना जाता है। ये भी HA-2 सैम की तरह 200 किलोग्राम का हथियार है और इसकी स्पीड लगभग 1200 मीटर प्रति सेकंड है। दावा किया जाता है कि ईरान की मिसाइल सैयद 2 1979 की क्रांति से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त RIM-67 मिसाइल का ईरानी वर्जन है जो रिवर्स इंजीनियरिंग से बना है। दरअसल 1979 की क्रांति से पहले ईरान और अमेरिका में दोस्ती थी और तब ईरान को अमेरिका ने RIM-66 मिसाइल दी थी जिसकी टेक्नोलॉजी अब ईरान चुरा चुका है। एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि ईरान का SAIKE फाइटर जेट भी अमेरिका के फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी के रिवर्स इंजीनियरिंग है। दिसंबर 2011 में ईरान ने घोषणा की थी कि उसने एक अमेरिकी RQ-170 सेंटिनल ड्रोन को पकड़ लिया है। ईरान ने दावा किया था कि ये ड्रोन जासूसी करने के लिए ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करके आया था। ईरान ने अमेरिका के इस ड्रोन को वापस नहीं किया बल्कि उस अमेरिकी ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी। ईरान के इंजीनियरों ने ड्रोन के डिजाइन और तकनीक को सफलतापूर्वक समझ लिया और फिर स्टेल्थ ड्रोन का ईरानी वर्जन तैयार कर लिया। इसके अलावा भी ईरान ने UAV, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमान भी आधुनिक तकनीक वाले तैयार कर लिए हैं। उत्तर कोरिया की योनो श्रेणी की पनडुब्बियों पर आधारित ईरानी वर्जन की पनडुब्बियां भी तैयार हो चुकी हैं। इस वजह से ईरान की नौसेना की ताकत काफी बढ़ गई है। नेतन्याहू ने हालिया फ्रांस दौरे पर भी यूक्रेन को आयरन डोम देने का इशारा किया था, हालांकि वो सीधे रूस से टकराने से कतरा भी रहे थे। लेकिन ईरान को तबाह करने के लिए नाटो की मदद हासिल करने के मकसद से नेतन्याहू यूक्रेन को अपने सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम तक देने का मन बना चुके थे।
इसराइल का आयरन डोम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये छोटी दूरी के रॉकेट, आर्टिलरी और यूएवी को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसमें इंटरसेप्टर, लॉन्चर, कॉम्बैट मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम और एक ELM मल्टी मिशन रेडार लगे हुए हैं। आयरन डोम 70 किलोमीटर के अंदर टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसका सक्सेस रेट 90% तक माना जाता है। इसराइल आयरन डोम को दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम मानता है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की इसके जरिए यूक्रेन को अभेद्य बनाना и тим гарантованіше буде захищеність європейської безпеки і свободи. ज़ेलेंस्की और बेन्यामिन नेतन्याहू के रिश्ते भी पहले काफी बेहतर थे, लेकिन ज़ेलेंस्की इस बात से काफी नाराज हैं कि इसराइल उनको हथियार नहीं भेज रहा है। ज़ेलेंस्की आयरन डोम को इसलिए हासिल करना चाहते थे क्योंकि आयरन डोम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। साल 2022 अगस्त के महीने में फिलिस्तीन के आतंकी गुटों की तरफ से इसराइल पर 600 रॉकेट डाले गए थे। आयरन डोम ने फिलिस्तीन के 582 रॉकेट नष्ट कर दिए थे, लेकिन 18 रॉकेट इसराइल के इलाकों में गिरने में कामयाब रहे। यानी आयरन डोम इस बार 97% तक प्रभावी रहा। ये साल 2021 की तस्वीरें हैं, जब फिलिस्तीन के रॉकेट को इसराइल के आयरन डोम नष्ट कर रहे थे। साल 2021 में हमास ने इसराइल पर 1500 रॉकेट दागे, लेकिन 1350 रॉकेट आयरन डोम ने नष्ट कर दिए। तब आयरन डोम 90% तक प्रभावी साबित हुआ। इसराइल की सरकार अपने एयर डिफेंस पर बहुत ध्यान देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर आयरन डोम नहीं होगा तो इसराइल की हालत यूक्रेन की जैसी होगी। ऐसे में ईरान चाहे कितनी भी धमकियां दे, लेकिन सच ये है कि आज भी इसराइल के आसमान को चीर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की की सारी उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं, और ज़ेलेंस्की को अमेरिका से ही सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि आसमान से आ रही पुतिन की मिसाइलें यूक्रेन के लोगों का काल बन चुकी है।